Dear students, today we have a topic and the topic is ratio and proportion from the maths part 1 of 9th standard. Students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन. दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रेक दिस टाइटल इनटू टू पार्ट्स. जैसे ही हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें दो अलग अलग टर्म्स मिलती हैं. एक है उसमें रेशियो and the next one is proportion. Let's first talk about ratio. Ki ratio kya hota hai? Ratio is the relation between the quantities. Quantities jo hai wo two or more than two bhi ho sakti hai. Ratio jo hota hai wo quantities ke between, numbers ke between ek taluk hota hai, ek relation hota hai. मान लीजिए कि आपके पास में जो है एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है, तो ए और बी का रेशो क्या होगा? तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे कि ए रेशो बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी. इसको लिखते भी ऐसे हैं ए रेशो बी और पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि ए रेशो बी इक्वल्स टू क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ए अपॉन बी. तो ये ए अपॉन बी ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का ही फॉर्म जो है वो रेशो है. बोथ आर इक्वल. ओके, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ कि फाइंड रेशियो बिटवीन 4 and 6. ओके, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लेते हैं कि 4 और 6 का रेशो, रेशो ऑफ 4 एंड 6 इक्वल्स टू रेशो ऑफ 4 एंड 6. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म हमारा 4 है और दूसरा टर्म हमारा 6 है, तो पहले टर्म का दूसरे टर्म से हमको रेशो फाइंड आउट करना है. दैट सिंपल. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 रेशो 6 इक्वल्स टू. इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने देखा a रेशो b, इसका मतलब होता है a अपॉन b. इसलिए 4 रेशो 6 का मतलब होगा 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6. दैट्स व्हाई 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 रेशो 3. गॉट इट? नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू the ratio. These are the important points. Now the first point is to make a ratio, it requires same unit. जब भी हम रेशो बनाना चाह रहे हैं तो हमें इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जिन क्वांटिटीज का हम रेशो बनाने वाले हैं उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास में दो क्वांटिटीज हैं, एक है 2 kilogram और दूसरा है 900 grams. अब यहाँ पर हम देखें कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो अगर हम इनका रेशो बनाना चाहते हैं तो हमें इनके यूनिट्स को सेम करना होगा, एक जैसा बनाना होगा. आप चाहिए तो किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आसान ये लग रहा है कि 2 kilogram को मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि 2 kilograms equals to 2 into 1000, क्योंकि 1000 grams 1 kilogram होता है. ओके, equals to यह हो जाएगा 2000 grams. अब हम देखें कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम हो गए हैं, अब हम इनका रेशो आसानी से बना सकते हैं. तो हम इनका रेशो लेते हैं सॉल्यूशन में इस तरीके से कि रेशो ऑफ 2000 ग्राम एंड 900 ग्राम्स यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल. तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम्स अपॉन 900 ग्राम्स. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 20 और 30 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और ये 20 अपॉन 9. तो इसको मैं अभी ग्राम रहने देता हूँ. ठीक है, तो हमारे इस इम्पोर्टेंट पॉइंट का नेक्स्ट पार्ट है कि बट द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस.
लेकिन जैसे ही हम रेशो बनाते हैं वो रेशो जो होता है वो यूनिट लेस हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पे आप देखिए कि ये एक फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में भी ग्राम है, डिनोमिनेटर में भी ग्राम है, सेम क्वांटिटीज और द सेम यूनिट्स कैंसल, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास में 20/9, इसका मतलब होगा कि 20:9, ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now the second point is ratio is called a percentage when its second quantity is 100. अगर हम किसी दो quantity का ratio लेना चाहते हैं, अगर उसमें second quantity 100 है तो इसका मतलब ये है कि वो एक percentage बन जाएगा। वो कैसे बनेगा हम यहाँ पर देखते हैं example के through। Example है हमारे पास कि एक quantity या एक number हमारे पास में है 50 और दूसरा number है हमारे पास में 100। अब हमें इन दोनों का रेशो लेना है तो क्या हो जाएगा कि 50:100 इक्वल्स टू क्या होगा 50/100। हमको पता है कि जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 होता है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, हम इसे लिखेंगे 50%। इसी तरीके से अगर ऐसा रहा कि 70/100 तो हम इसको लिखते हैं 70%। इसी तरीके से 80/100 रहा तो हम इसको लिखते हैं 80%, ओके। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय द सेम नंबर्स। अगर हम उस रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो भी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कैसे होता है देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो हमारे पास में एक रेशो है, एग्जांपल में देखते हैं कि रेशो है 1:2। ये एक रेशो है, इसका मतलब ये होगा कि 1/2, ठीक है। अगर हम किसी नंबर से यानी सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम 3 से जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को 3 से करना ही होगा, तो क्या होगा 3 × 1 = 3 / 3 = 6। वापस से अगर हम इसको देखना चाहें तो 3 × 1 = 3 / 3 = 6। ये देखिए वापस हम उसी रेशो पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन का मामला। अब हम चाहते हैं कि हम किसी सेम नंबर से जो है इस रेशो को डिवाइड कर दें तो क्या होगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि 2:4। एक और एग्जांपल में हमने लिया कि 2:4, इट मींस 2/4। अगर हम यहां पर जो है इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी रेशो को यहाँ पर फिर से लेते हैं कि 2:4 = 2/4 = अब मैं यहाँ पर जो है 2:4 को इस तरीके से लिखा, यहाँ पे न्यूमरेटर को भी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 होगा, और 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वापस इस रेशो पर यानी 1/2 पर पहुंच गए। तो यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, बोथ आर द सेम, इट मींस द रेशो रिमेंस कांस्टेंट, ओके। नाउ ऑल द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड हियर। हमने यहां पर इन तीनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन हमारे टाइटल का जो सेकंड पार्ट था, जो नेक्स्ट पार्ट था, वो था प्रोपोर्शन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। इक्वालिटी बिटवीन द रेशोज, रेशोज के बिटवीन जो इक्वालिटी की कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। मान लीजिए कि आपके पास में एक रेशो है ए रेशो बी, दूसरा रेशो है सी रेशो डी। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B = C/D। ये कंडीशन जो है ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। तो पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक
सिंपल सी एग्जांपल ली है जिसमें पेन और उसकी कॉस्ट को हमने लिया है समझने के लिए, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके पास में जो पेन है वो अगर टू पेन्स हैं, दो पेन है अगर आपके पास तो वो 4 रुपीज कॉस्ट करती हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो पेन है तो वो कितने की है, 4 रुपए की है। तो जाहिर सी बात है कि एक पेन जो है वो 2 रुपए की होगी, ठीक है। अगर हम 5 पेन्स ले लेते हैं, यानी 5 पेन्स लेते हैं तो वो 10 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम 4 पेन परचेस करते हैं तो वो 8 रुपए की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर पेन जो है वो 2 है तो कॉस्ट 4 है, ठीक है। पेन का क्वांटिटी अगर हम कम करते हैं तो देखिए कॉस्ट भी कम हो जाता है, फिर हम पेन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 5 किया तो कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ हो गया, फिर हमने यहाँ पर जो है पेन की क्वांटिटी को कम किया तो यहाँ पर कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इससे क्या बात समझ में आती है, इससे बात ये समझ में आती है कि अगर हम पेन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, पेन की क्वांटिटी को कम करते हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाता है। यानी कि एक वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है ये डायरेक्ट आ रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन को या इस तब्दीली को हम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डीपली देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का रेशो ले लूं तो क्या होता है, ठीक है। तो 2 और 4 इनका रेशो लिया, 2/4, ठीक है। उसके बाद में 1/2, ठीक है। उसके बाद में है 5/10, उसके बाद में है 4/8। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहां पर इसको तो क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 4 1s are 4, 4 2s are 8। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो जो वैल्यूज हमको दी जाएंगी उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, बड़ी छोटी सी और बहुत ही आसान से एग्जांपल हमने लिया है कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई बुक है और उसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 200 है, 200 पेजेस की बुक जो है वो आपके पास में, और आप रोजाना उस बुक को पढ़ते हैं। तो अगर आप उस बुक को रोजाना 10 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको 20 दिन लगते हैं, 20 डेज आपको उसको कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। अगर आप 5 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको 40 डेज लगते हैं। अगर आप 20 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको 10 डेज लगते हैं। अगर आप जो है वो 4 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको 50 डेज लगते हैं। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज पर ध्यान दें तो हमको एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम जो है वो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बढ़ाते हैं, यानी रोजाना पेजेस को पढ़ने की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो हमको कम दिन लगते हैं उस बुक को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हम उस नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कम करते हैं तो हमको उस बुक को कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन लगते हैं। देखिए आप 10 पेज पढ़ते हैं तो 20 दिन लगते हैं, 5 पेज पढ़ते हैं तो आपको 40 दिन लग जाते हैं, 40 डेज लग जाते हैं। उसी तरीके से आप जो है वो 20 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको 10 डेज लगते हैं। उसी तरीके से अगर आप और कम कर देते हैं क्वांटिटी, यानी 4 पेजेस ही पर डे पढ़ते हैं तो आपको जो है वो 50 डेज लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि एक क्वांटिटी को जैसे हम बढ़ाते हैं दूसरी कम हो जाती है, अगर हम दूसरी को बढ़ाते हैं तो पहली कम हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है ये इनवर्स इफेक्ट है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, यानी एक बढ़ाया दूसरा कम, दूसरा बढ़ाया पहला कम। तो इसीलिए इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट आता है वो एक दूसरे के अपोजिट आता है। अब अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लें तो क्या होता है, हम ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला वाला हमारा जो है, तो पहला हमारे पास में 10 × 20 करके देखते हैं तो क्या होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 200 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि 5 × 40 करके देखते हैं क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 200 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि 20 × 10 किया तो कितना आ जाएगा, फिर से 200 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए कि 4 × 50 अगर किया
तो क्या आएगा, फिर से 200 आ जाएगा। तो बात यहाँ पे ये समझ में आई कि हमको जो क्वांटिटीज दी गई हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से हमको रेशियो रिड्यूस्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अब कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा पहला और कौन सा दूसरा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस की नंबरिंग है, ठीक है? तो ये नंबरिंग जहाँ से शुरू हो रही है, तो हम इधर लेफ्ट से इधर राइट की तरफ आते हैं, तो ये हमारा पहला नंबर है। उसके बाद आते हैं तो ये हमारा दूसरा नंबर है। दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रेशियो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन में लेते हैं। रेशियो ऑफ 72 एंड 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72:60। आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, 72/60। हम इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि 12 के टेबल में 72 भी आता है और 60 भी आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि 12 6 72 एंड 12 5 60। ओके, अब यहाँ पर देखें कि ये 12 कैंसिल हो गया है, अब क्या बचता है, 6/5। ओके, तो 6/5 दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 72/60। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा जो रेशो है वो क्या है, 6:5। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले नंबर का दूसरे नंबर से रेशियो रिड्यूस्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लेते हैं, रेशियो ऑफ 38/57 इक्वल्स टू, तो 38 एंड रेशो 57। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, 38/57, और इसको जो है हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। आप देखिए कि 19 के टेबल पे जो है वो 38 भी आता है और 57 भी आता है, तो 19 2 19 2 38, ठीक है, और 19 3 19 57। आप यहाँ पर देखें कि 19 जो है यहाँ से फिर से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में आता है 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 2:3। तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आंसर में है हमारे पास में कि 2:3। इस तरीके से हमने इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में गेन किया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं कि सॉल्यूशन रेशो ऑफ 52/78 इक्वल्स टू, 52 रेशो हो जाएगा 78। ठीक है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि 52/78। इसको यहाँ पर फिर से हम अब ब्रेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये होता है 26 × 2, यानी 26 2 52 एंड 26 3 होता है 78। फिर से आप यहाँ देखें तो 26 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। ओके,
Students, now we have completed the first question. The remaining part of this exercise we will do in next lesson or the next period. Okay? Then have a nice day and bye-bye.